नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। मैं फिर एक बार हाजिर हूं आपके सामने इंडियन फुटबॉल के और एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको नेपाल नेशनल टीम जो कि फीफा रैंकिंग में 168 पोजीशन पे है उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा 2 और 5 सितंबर को नेपाल के खिलाफ हमारा 2 फ्रेंडली मैचेस है। तो पहले नेपाल नेशनल टीम के कोच के बारे में जानते हैं। उनका कोच है अब्दुल लाल मुंतरी जो कि एक कुवैत के निवासी है। इस कोच के आने के बाद से नेपाल टीम का प्लेइंग स्टाइल थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है। अभी ये लोग बहुत अटैकिंग फुटबॉल खेलती है। सो नाउ कम टू द नेपाली नेशनल टीम। इस टीम में गोलकीपिंग पोजीशन में है उनका कैप्टन किरण चेमजोंग, मोस्ट एक्सपीरियंस गोलकीपर एंड इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ नेपाल टीम। ऑलरेडी वो नेपाल के लिए 72 मैचेस खेल चुके हैं और उन्होंने मैक्सिमम टाइम हमारे आई लीग क्लब्स के लिए खेले हैं और लास्ट सीजन भी वो राउंड ग्लास पंजाब के लिए खेल रहे थे और उनका अच्छा प्रदर्शन के चलते राउंड ग्लास पंजाब ने आई लीग में एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया था। और फिर नेपाल नेशनल टीम का डिफेंस में है 2 बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी। एक है रोहित चंद, ही इज द स्टार प्लेयर एंड मोस्ट एक्सपीरियंस डिफेंडर ऑफ नेपाल नेशनल टीम और अभी वो इंडोनेशियन टॉप टायर क्लब पर्सिजा जकार्ता में खेल रहे हैं। और उनके टीनेज में वो हेवीली लिंक हुए थे आर्सेनल, टॉटेनहम जैसे क्लब्स के साथ और अभी ये 29 साल का डिफेंडर इंडोनेशियन लीग का बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत चुके हैं और उनका नेपाल के लिए 68 मैचेस खेलने का अनुभव है। और उनके साथ आते हैं अनंत तमांग। ये 23 साल का एक टैलेंटेड सेंटर बैक है जो अपना सीनियर करियर शुरू किया था स्पेनिश सेगुंडा डिवीजन के क्लब मार्बेल एफसी के साथ, बट अभी वो हमारे आई लीग के क्लब चर्चिल ब्रदर्स को ज्वाइन किया है और उन्होंने भी नेपाल के लिए 36 मैचेस खेलकर 2 गोल दाग चुके हैं। फिर उनका मिडफील्ड में आते हैं सुजल श्रेष्ठा जो एक 29 ईयर ओल्ड मिडफील्डर है और नेपाल टीम का मोस्ट एक्सपीरियंस मिडफील्डर में से एक है और उनका नेपाल के लिए 37 मैचेस में 2 गोल दागने का अनुभव है। और अभी वो फोकरा थंडर्स जो नेपाल सुपर लीग के क्लब है उसके लिए खेल रहे हैं। और उनके साथ है विशाल राय, ये भी एक 28 साल का अनुभवी मिडफील्डर है जिनको नेपाल के लिए 27 मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस है और गोल भी दागना जानते हैं। ये भी नेपाल सुपर लीग में खेलते हैं और दोस्तों इन सारे प्लेयर्स का प्रदर्शन अपने डोमेस्टिक लीग में काफी अच्छा रहा है। और अगर उनके फॉरवर्ड्स की बात करें तो उनके पास कुछ यंग और टैलेंटेड फॉरवर्ड्स है जैसे मनीष डांगी, एक 19 साल का बहुत ही यंग खिलाड़ी जिनका यूथ करियर एक कोरियन लोअर डिवीजन क्लब्स में बीता है और अभी वो नेपाल सुपर लीग में खेल रहे हैं और नेपाल नेशनल टीम के लिए सिर्फ 4 मैचेस खेलकर वो 1 गोल दाग चुके हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट इराक के खिलाफ। और उनके साथ है अभिषेक रिजवल, ये भी एक 21 साल का फॉरवर्ड है जिनको इंडिया में मोहम्मदन और आईजल के साथ खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है और एक यंग स्टार है नेपाली फुटबॉल में और ऑलरेडी वो नेपाल के लिए 11 मैचेस खेलकर 1 गोल स्कोर कर चुके हैं। और फिर आते हैं अंजन बिस्टा, ये स्पेनिश सेगुंडा डिवीजन के क्लब मार्बेला एफसी का यूथ प्रोडक्ट है और नेपाल के लिए हार्ड एज ग्रुप टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और 23 साल की उम्र में ये नेपाल टीम का मोस्ट एक्सपीरियंस स्ट्राइकर है। 40 मैचेस खेल चुके हैं नेपाल के लिए और 4 गोल है उनके नाम। और लास्ट में है नवरुख श्रेष्ठा, ये 31 ईयर ओल्ड वेटरन फॉरवर्ड है जिनके पास 33 मैचेस खेलकर 7 गोल दागने का अनुभव है और ये किसी भी टीम को अपने दिन में डिसअपॉइंट कर सकते हैं और अभी वो नेपाल सुपर लीग में खेल रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि समझ आ रहा है कि नेपाल के पास कुछ अच्छे स्ट्राइकर्स है जो किसी भी बड़े टीम को एक भी चूक होने पर पनिश कर सकती है, तो सॉल्यूशन इज सिंपल, हमें किसी भी पोजीशन में गलती नहीं करना है और बॉल पोजीशन को मेंटेन करके रखना है अच्छे तरीके से और हमारे अटैकर्स को गोल दागना होगा, जस्ट सिंपल फुटबॉल खेलकर उनके प्लेयर्स को प्रेशर में लाना होगा। तो दैट्स इट। तो दोस्तों ये था वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। तो मिलता हूँ आपको और एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड।